तो हेलो गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पारस डिफेंस का जो स्टॉक है, ये अभी आप लोगों को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बोलूँ, इस कंपनी के बारे में, तो ये क्या करते हैं, देखिए ये कंपनी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बनाता है। किसका रहता है सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स? डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस का। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा फोकस, इस कंपनी का मेनली फोकस रहता है डिफेंस और स्पेस सेक्टर में, जो कि कैसे चीज़ें बनाता है, देखिए दोस्तों, स्पेस कैमरास, इंफ्रारेड डिवाइसेस, हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो डिफेंस में काम आता है और स्पेस में काम आता है। तो ऐसे ये हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं पारस डिफेंस का जो स्टॉक है, ये डिफेंस का प्रोडक्ट्स बनाता है। तो दोस्तों, इसका जो प्रेजेंट प्राइस वो अभी चल रहा है 625 रुपीज़ के आसपास में। तो ये IPO जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था 1 अक्टूबर को, और ये 168% गेन दे दिया। तो ये बहुत ही शानदार गेन दिया इस स्टॉक ने। तो इसके बाद हम लोग इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका जो ROE वो है 12.3%। तो नया स्टॉक, अगर मैं बोलूँ नया स्टॉक हिसाब से, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 12.3% बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ पुराना स्टॉक्स भी इतना ROE नहीं रहता। तो ये तो 12.3% बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है नया स्टॉक हिसाब से। तो अभी इसका मैं डिविडेंड यील्ड के बारे में बोलता हूँ। तो डिविडेंड यील्ड ये ना के बारे में रहता है। और दोस्तों देखिए, ये नया स्टॉक है तो ओब्वियसली डिविडेंड यील्ड अभी नहीं देगा, और जैसे ही आप लोग बोल सकते हैं अगले साल या फिर 2 साल के बाद ही डिविडेंड यील्ड देना शुरू कर देगा। तो ये इतना भी ज़्यादा निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद इसका जो फेस वैल्यू वो ₹3 का है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, नया स्टॉक और इसका फेस वैल्यू ₹3 का, वो बहुत ही एक अच्छा बात है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो PE रेशियो वो 122 का है, जो बहुत ही अच्छा बात है। तो इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग इसका बुक वैल्यू के बारे में देखें, तो इसका बुक वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं ₹44 है। और ₹44 बुक वैल्यू है, तो आप लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि आप लोग दोस्तों देखिए कि इसका जो बुक वैल्यू वो इंडस्ट्री पी से रैंक ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसका जो प्राइस बुक गिरावट आ सकता है कुछ ही दिनों में। तो अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बोल दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो अभी हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके देखते हैं। तो इसका जो रिवेन्यू, अगर मैं रिवेन्यू के बारे में बोलूँ, तो 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और इसका जो प्रॉफिट वो भी 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू 2020। पर दोस्तों, टोटल ऐसे 2021 में ज़्यादा है, पर टोटल ऐसे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता भाई, इतना ज़्यादा आप लोग बोल सकते प्रॉफिट इतना ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। पर रिवेन्यू और प्रॉफिट इसका थोड़ा सा कम है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग बताएं दोस्तों, इसका जो प्रोमोटर वो 59% के आसपास में है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि प्रोमोटर 50% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इसका है। तो इसके बाद इसका जो रिटेलर वो 32% का है ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो 4.36% का है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं ये बाद में थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5% से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये लगभग 4.3 यानी आप लोग बोल सकते हैं 5% होने ही वाला है। और इसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि नया जो स्टॉक में म्यूचुअल फंड इतना इन्वेस्ट नहीं करता, पर इसमें 2.8% का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका जो अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अगर मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में बोलूँ, तो 2.02% का है। कुछ कुछ पुराना स्टॉक्स भी आप लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नहीं रहता है, पर इसका है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका मैं प्रोस और कॉन्स के बारे में अगर बोलूँ, तो मैं स्क्रीनर से बोल रहा हूँ, तो इसका प्रोस दिया हुआ नहीं है। तो इसका अगर कॉन्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बोल दूँ, तो एक कॉन्स ये है कि कंपनी हैज़ हाई डेप्थर्स ऑफ 242 डेज। तो 242 डेज का जो डेप्थ, इसका थोड़ा सा डेप्थ है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका जो टैक्स का जो रेट वो थोड़ा सा कम है, सीम्स लो, जो कि बहुत ही एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, ये कंपनी जो डिविडेंड नहीं दे रही है स्टॉक, तो आप लोग बोल सकते हैं ये इतना भी ज़्यादा बड़ा निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक नया कंपनी है, नया स्टॉक है, अभी आप लोग बोल सकते हैं लिस्टिंग हुआ है। तो ये कुछ ही सालों में ये देने वाला डिविडेंड यील्ड, जो कि एक इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों, जो इसका चौथा पॉइंट है, तो वो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.10 टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो बुक वैल्यू वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। और दोस्तों, अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, देखिए जिसने इस स्टॉक को खरीद के रखा है, तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस से अगर आप लोग देखते हैं, तो इसको आप लोग डेफिनेटली होल्ड कीजिए। और अगर कोई अभी भी सोच रहा है कि मुझे अभी शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस अभी थोड़ा सा और गिरावट आने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये नया स्टॉक है, नया IPO लॉन्च हुआ है, और IPO 1 वीक में या फिर 2 वीक में थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका प्राइस, पर 2 वीक्स के बाद इसका प्राइस फिर से थोड़ा सा कम हो जाता है, गिरावट आ जाता है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं ये इसका जो प्राइस वो डिटरमाइन करने के लिए, इसका जो सही प्राइस।
तो इसके लिए आप लोग अगर बोल सकते हैं कि इसका जो गिरावट आप लोग फायदा उठाए, तो ये 625 जो रुपीज़ है ये ऑल टाइम हाई जो गया था 702 इसके आसपास में है, जो कि अभी आप लोग बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। तो अभी आप लोग एंट्री मत लेना, आप लोग 500 ऑलमोस्ट जब आएगा 500 समथिंग तक तब आप लोग एंट्री ले सकते हैं। और चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मिड टर्म हो, आप लोग 500 समथिंग में एंट्री लेना, क्योंकि अगर आप लोग तब एंट्री लेंगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बेसिस से बोले तो ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिफेंस का जो डिमांड ये रहने ही वाला है, तो ये कभी भी कम नहीं होने वाला। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस से बहुत ही अच्छा है, और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बेसिस से भी अगर मैं बोलूँ तो आप लोग को एंट्री का पॉइंट आप लोग को डिटरमाइन या फिर आप लोग को जानना पड़ेगा, जो कि 600 में मत लेना, 600 से नीचे जब आएगा 500 समथिंग पर तो आप लोग ले सकते हैं। ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं 540 से 560 के बीच अगर ये प्राइस आया तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस से आप लोग कर सकते करना चाहते हैं तो 600 के नीचे जब आए 590 580 तब आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।